नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय गढ़वा जिला मुख्यालय के गोविंद हाई स्कूल के फील्ड में हूँ। यह फील्ड जो है टाउन हॉल का मैदान भी कहलाता है। इस फील्ड में आज मैं इसलिए खड़ा हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को और ऐसी खबर को बताने वाला हूँ जो गढ़वा जिला के वर्तमान में जो मंत्री बने हुए उनसे संबंध रखता है और पूर्व विधायक सजना तिवारी से संबंध रखता है। दोनों के बीच की यह खबर है, इसको बताने के लिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ा है। आप हमारे इस तरफ देखिएगा तो टाउन हॉल का जो है नवनिर्मित भवन बना हुआ है, जिसका नाम फिलहाल कर दिया गया है नीलाम्बर पीताम्बर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन गढ़वा। पहले यह टाउन हॉल कहलाता था, अभी भी लोग जनरली टाउन हॉल ही कहते हैं। दरअसल मामला यह है कि कुछ दिन पूर्व भी इस टाउन हॉल को जो है इस नवनिर्मित भवन को जो है उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इधर आई संदीप भवन को दिखाते रहिए। उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा। जब उद्घाटन किया गया तो उस दौरान इस बात को लेकर के काफी चर्चा की गई कि ये सारा भवन का निर्माण जो है वो उसमें जो मुख्य क्रेडिट जो निभाने का काम किए हैं वो जेएमएम के नेता जो है मिथिलेश ठाकुर, जो अभी मंत्री हैं हमारे झारखंड सरकार में, उनके द्वारा किया गया। और सोशल मीडिया में, पेपर में, तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार के माध्यम से इस बात को दिखाने का भरपूर प्रयास किया गया। हमने भी दिखाया जो हमें जानकारी थी उसके अनुसार कि इस भवन के निर्माण में मुख्य रूप से जो योगदान था वो मिथिलेश ठाकुर का था। अब हुआ दरअसल मामला यह है कि जो पूर्व जो विधायक है सजना तिवारी जो है, अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस भवन के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले मिथिलेश ठाकुर नहीं है बल्कि सत्यनाथ तिवारी के द्वारा मुख्य भूमिका निभाया गया है। सत्यनाथ तिवारी ने अपना बयान दिया है और कहा है कि ये जो भवन है इसके निर्माण में पहली बार जो है 5.5 करोड़ रुपये जो है अलॉट करने का काम वो सत्यनाथ तिवारी के द्वारा करवाया गया था और उन्हीं का मुख्य योगदान है इस भवन के निर्माण कराने में। तो अब सत्यनाथ तिवारी इस बात को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि जो बार बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि गढ़वा में जो है विकास की जो धारा बहाई गई है, विकास की जो गंगा बह रही है मिथिलेश ठाकुर के द्वारा या जेएमएम के नेता जो हैं उनके द्वारा, इस बात को लेकर सजना तिवारी आग बबूला नजर आ रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जो है लगातार जो विकास की बात की जा रही है बिल्कुल बेमानी और झूठी बात कही जा रही है। अब जो मामला यह उठ कर आ रहा है सामने कि आखिर ऐसे स्थिति में जनता के बीच क्या संदेश जाए और क्या सच है कि ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है जो करोड़ों रुपयों की लागत से बना हुआ है, जिसका जो है उद्घाटन चंपई सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री करके गए उसका क्रेडिट मिथिलेश ठाकुर को मिले या फिर पूर्व विधायक सजना तिवारी को मिले, इस बात को लेकर अब संशय की स्थिति हो चली है। अब हमें देखना यह है कि सच्चाई बात क्या है। फिलहाल जो है सजना तिवारी का आपको हम बयान सुनाते हैं, जो बयान जो है आपको तुरंत इस वीडियो में मेरे इस वक्तव्य के तुरंत बाद आपको सुनने को मिलेगा। अब देखिए आप इसी तरह की खबर जो है आपको लगातार हम एक एक करके देते जाएंगे, क्योंकि सत्येंद्रनाथ तिवारी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इस भवन के लेकर ही नहीं बल्कि कुछ और भी बयान दिए गए हैं तलाश टीवी को। इस बयान के बाद बाकी बयान भी आपको हम कल परसों तक अपने तलाश टीवी चैनल पे जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सत्येंद्रनाथ तिवारी का यह बयान सुनिए। वो तो टाउन हॉल के कह रहा है जी विकास कर दिए, आप उसी से पूछिए, आप उसको बोलिए कि तू चल कर देवी मंदिर में क्रिया खाओ कि स्वतंत्र तिवारी ने 5.5 करोड़ रुपया इसके लिए फंड अलॉट कराया था कि नहीं। अगर हम 5.5 करोड़ रुपया फंड अलॉट नहीं कराए होंगे हम पर भगवान बजर मार दे। वो कहे जी अगर हम नहीं कराए हैं, अब इतनों कह दे कि हम पर बजर मार दे। अरे वो झूठे आदमी का क्या नाम लेते हैं जी।